बच्चों अब हम करते हैं 20th क्वेश्चन, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मॉडल ऑफ शिप इज मेड इन द रेशियो 1:20। इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 4 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द शिप। अब तो मुझे इसमें कुछ बोला नहीं है कि मीटर में, तो सीधे सीधे मैं क्या करने वाला हूँ, 4 × 200 करने वाला हूँ, विच इज 800 मीटर जो है वो शिप की लेंथ है, राइट। बहुत बढ़िया। इफ द एरिया ऑफ द डेक ऑफ अ शिप इज इतना, तो जो एरिया है ऑफ डेक, जिसका एरिया है वो कितना है, 1600 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑन द मॉडल। अब मॉडल में कितना होगा, तो मॉडल में मैं तो पहले अगर मैं कर रहा था तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है, तो वो मैं क्या कर रहा था, ठीक है, वो मैं क्या कर रहा था, अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा था तो मैं एक्चुअल एरिया या फिर एक्चुअल लेंथ निकाल रहा था, पर मुझे अब मॉडल की लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, जैसा था वैसे के वैसे से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 1600, ठीक है, इंटू 1/200, जो रेशियो में था बिल्कुल। अब अगर ये एरिया में है तो स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया में नहीं होता या फिर सिर्फ इसकी लेंथ निकालनी होती तो मैं एज इट इज इसको लिख देता, तो ये कितना आ जाएगा, 1600 × 1/200 × 1/200, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, फिर ये वाले जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है, टू कितने जाएगा, 2 × 8 जा, फिर हो जाएगा 2 × 4 जा, तो ये कितना आ जाने वाला है, ये आ जाएगा मेरे पे 4 मीटर स्क्वायर। तो जो डेक के हिसाब से अगर मैं इसके हिसाब से लूँ तो 4 मीटर स्क्वायर आना था, ठीक है, और एक्चुअल में ये इतना आ रहा है, ठीक है जी, क्या बात है। अब आते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन बड़ा ही, लास्ट जो पार्ट है इसका बड़ा ही ईजी है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज 2200 liters, अब जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल में, मॉडल में इसका कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए मॉडल, अब मॉडल में ये 200 लीटर कंटेन करता है, तो एक्चुअल में इसकी जो एक्चुअल में इसका वॉल्यूम कितना कंटेन करेगा, तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये मेरे ख्याल से आप लोग कर लोगे, इतना तो आपको समझ में आ ही गया है कि क्या करने वाले हम, है ना, इस पे, तो ये इतना इजी हो गया। तो देखो मैं यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना, तो देखो जो वॉल्यूम है ऑफ मॉडल ऑफ शिप वो है 200 liters, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ शिप जो हो जाएगा वो कितना होगा, 200 × 200³, राइट, तो अब इसको आप कर लेना, तो जो भी आंसर आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। तो हमारा एक चैप्टर भी फिनिश हो चुका है, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और बहुत ही जल्दी अभी हम 9th के लिए, ठीक है, और 10th के लिए दोनों का सिलेबस कंप्लीट करके बहुत अच्छे से फिर हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। चलो।